हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 15 फरवरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप हिंदी का, तो हिंदी के एक वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं बिहार बोर्ड से। आप 15 फरवरी का एग्जाम जो होगा उसका वायरल क्वेश्चन पेपर ही आपका आ गया है। ये बिल्कुल आपके 100% ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके जगह क्वेश्चन मैच करेगा। जितना क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो, वरना आप परीक्षा हाल में बहुत जाकर पछताओगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इस वीडियो में सभी आपके क्वेश्चन 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। इसको पूरा आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसका अगर नेक्स्ट वीडियो आपका मैथ का भी हम डालने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन के पेपर लेकर के आ गए हैं आप लोग के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर ही प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए है। यहाँ पर एक और पेपर हमारे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये भी आपको हम दिखा दें। ये आपका प्रथम पाली का, ठीक है, ये प्रथम पाली का कोड 101 होता है, और द्वितीय पाली का कोड आपका 201 होता है। देख सकते हैं दोनों पाली का हम इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं, और दोनों पाली का क्वेश्चन इसमें हम दिए हुए हैं। दोनों पाली के स्टूडेंट इसमें हैं, दोनों फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग दोनों का इसमें है, ठीक है। दोनों स्टूडेंट इसको अच्छे से देखेंगे, और पूरे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन जाकर मैच करेंगे, ये 100% मेरा गारंटी है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, और यहाँ फटाफट आप लोगों क्वेश्चन को हम कराते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए पैटर्न आपका वही है, आप जानते हैं कि पैटर्न में क्या है आपका, तो पैटर्न में आपका वही रखा गया है कि आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 प्रश्न पूछ दिया गया है, इसमें 100 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से किन्हीं आपको 50 प्रश्नों का अपने द्वारा उत्तर को देना है, ठीक है। यानी 100 में से कौन कोई भी 50 को बनाना है, तो हम फटाफट इसे करते हैं, और आप लोग फटाफट इसे आप लोग याद करेंगे, है ना, और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे, तो उन्होंने किस देश में गए थे, तो ये आपका अमेरिका होगा, क्या होगा आप यहाँ पर अमेरिका, ऑप्शन कौन होगा आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन को लूंगा, और क्वेश्चन के साथ मैं आपका आंसर बताऊंगा, क्योंकि अब पूरा ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं बचा, आप जान सकते हैं टाइम बहुत कम है, तो कम टाइम में आप लोगों को मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन के साथ मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखिए, जाति प्रथा बोल रहा है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो दूसरा के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1936 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था, तो आपको पता है कि कौन था, मदन था जो कि लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन कौन होगा आपके सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है ना, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए बच्चों, यदि आपको इसमें कोई कठिन क्वेश्चन जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को 100 क्वेश्चन में से कोई 50 को ही ना हल करना है बाबू, तो आप जो क्वेश्चन आपका कठिन रहेगा उसको छोड़ देना है, ठीक है, आपको 50 को ही हल करना है, ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो में पूरा हम देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको हम पूरा का पूरा आपको हम सब चीज बता देंगे कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको सेम टू सेम जाकर मैच करेगा, ठीक है। और इसका PDF आप लोग कैसे ले सकते हैं आप लोग को, और इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी कैसे मिलेगा, इस सारे चीजों को हम आपको वीडियो के बीच में हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर हम आपको बताएंगे, और जो आपके क्वेश्चन कठिन है उसको छोड़ दो, साफ है, पहले उसको ट्राई करना है जो एकदम लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, जिसके आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं सवाल, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा अच्छा से कर ले हम, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है, मैथ का भी लेकर आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करेंगे कि आप किस जिला से हैं और आपका टारगेट कितना है, आप सभी स्टूडेंट को यहाँ कमेंट करना है कि आप किस जिला से हैं, और आप जिला में किस जिला से हैं, आपका नाम क्या है ना, और आपका टारगेट कितना है, कितना टारगेट है कि आपका नंबर लेना है 450 लाना है कि 400 लाना है कि फर्स्ट डिवीजन 300+ लाना है कि 350 लेके आना है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चले, और रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कितना किसका आया हुआ है। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, देखिए कितना आसान सवाल पूछ दिया है, तो 6 के आंसर हो जाएगा मराठी, ऑप्शन कौन होगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि से लिखा जाता है, तो ये जो है दोनों भाषाएं जो है किस लिपि से लिखा जाता है, तो ये आपका इसी
सात का जो आंसर होगा आपका कौन होगा, आपके ऑप्शन देवनागरी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले देखिए, न्यू में से कौन जैन गणतज्ञ कौन है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा कितना घुमाया हुआ है, थोड़ा बाहर ले गया है, अंदर बुक के अंदर ले गया है, ठीक है। तो आठवां का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, महावीराचार्य, ठीक है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर आसान सवाल आ गया ना, जिसको आसान क्वेश्चन है उसी को हम लोगों को पकड़ना है, ठीक है। इधर ही आपको पीछे कराए उसमें से चार पांच क्वेश्चन आसान दिखाई दिया हम लोग को, जो कि मुझे जबानी याद रहता है बच्चों को, तो उससे क्वेश्चन को हम लोग को पकड़ना है, ठीक है। तो नौ का आंसर कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत हो गया, ठीक है। आगे देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता है। तो जो मालिश कराता है कौन कराता है, तो आपको पता है कि लेखक के जो आपका बेटा है किशोर वही कराता है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चरपाई पर रखे, डैश पर वो मिल नहीं रहे हैं, ये किसने कहा था। देखिए कितना क्वेश्चन डिपिल ले गया है, जो बुक पढ़े होंगे उन्हीं को मालूम होगा, ये अंदर घुसाया है बुक के अंदर, ठीक है। तो 11 का नंबर का सवाल कौन होगा आपके, बी रिश्तेदार की पत्नी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 12 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1912। देखिए जो ऑप्शन है सन वाला क्वेश्चन आप ना ही याद करें तो ठीक है, ठीक है, ये नहीं याद करेंगे तो वो कोई चल जाएगा, सन वाला क्वेश्चन में काफी लोगों को दिक्कत होता है ना। तो जो आसान ऑप्शन छोड़ भी दोगे ना, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन से 50 से 60 क्वेश्चन इसमें आसान आसान है, आपको मैं 100% गारंटी बोल रहा हूँ, और क्वेश्चन आपके बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाता जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्था का सूचक होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है ना। तो 13 नंबर के आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। कि अभी घबराइए मत, देखिए आप सोच रहे सर बहुत भारी भर दे रहा है, नहीं हम देखे हैं पूरा पेपर आपके, आगे जाइएगा ना तो एकदम लॉलीपॉप रसगुल्ला सवाल मिलेगा। देखिए कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो आपको मालूम है, किताब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, उसमें लिखा गया है 27 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट सवाल, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे, बिरजू महाराज जो है कानपुर कौन साल रहे थे, दो है 2.5 साल, ठीक है। ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। आइनियो शीर्षक पाठ में के फ्रेंच शासकों ने किन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। तो आपको पता है, किताब पढ़े होंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, पोप को के लिए बनवाया था, ऑप्शन कौन होगा, सी। देखिए कितना शानदार सवाल, सबको मालूम होना चाहिए, रोन नदी कहाँ है, रोन नदी कहाँ है, सबको पता है, ये दुनिया को पता है कि दक्षिण फ्रांस में जो है रोन नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 18 नंबर, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। देखिए यहाँ पर डीपली घुसाया है पेपर को, है ना, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी। तो 19 नंबर सवाल के अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये मसाला पीस रही थी। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, आप बुक पढ़े होंगे तो सब उसमें स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है। सरपट शब्द का अर्थ क्या है, तो सरपट का अर्थ जो होता है बाबू क्या होता है, तेज होना। आप सुने नहीं है क्या कि सरपट हो गया, भाग गया, मैं तेजी से भाग गया, ठीक, सरपट कर गया, ऑप्शन नंबर बी। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैं के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था। तो 21 का आंसर आपका बी। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा प्रश्न आपको दिया गया है, तो इन प्रश्नों को छोड़ देना है आप लोगों को, मैं आपको 100% बोल रहा हूं, आप लोगों को घबराइए नहीं, आपके आसान क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अमरुद्दीन बिस्मिल्ला खां का नईहाल कहाँ है। तो 22 का आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी काशी है। बिस्मिल्ला खां फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे, है ना। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, मामू से, मौसी से, नानी से, ठीक है। आगे देखिए, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र में के रचनाकार का नाम क्या है। देखिए 24 का आंसर कौन होगा आपका, महात्मा गांधी, हरिजन नामक पत्रिका लिखे थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, 25 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। देखिए सबको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की जो हत्या है 1948, ठीक है। ऑप्शन कौन होगा आपके, बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपके, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
तो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सेन साहब कितनी लड़कियां थी, देखिए आ गया ना एकदम रसगुल्ला सवाल आगे देख लीजिए ये है ना, आपको हम सब लास्ट में गिनाएंगे भी कि कौन कौन बिल्कुल आसान सवाल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सेन साहब कितनी लड़कियां है, तो ये सब बच्चा बच्चों को मालूम है कि ये पांच लड़कियां है ना, सीमा रजनी आलो शेफालो ऐसा कर कुछ नाम है उन लोगों का। ठीक है, आगे देखिए दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश किसे किस राजा के है ना, किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं, तो इसका 27 के आंसर आपको हम बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या लगा आपको आंसर बता रहे हैं हम। ठीक है, आगे देखिए दक्षिण भारत हो गया ना, सॉरी यहाँ का नहीं होगा, ये राजा वरगुण के। ठीक है, आगे देखिए बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है, तो 28 के आंसर का होगा, 28 का आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, थ का उच्चारण स्थान, देख सकते हैं आसान क्वेश्चन आ गया आपका व्याकरण से, थ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो थ का क्या होगा, दंत होगा, तो सब दंत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। व्यंजक बड़ों की कितनी श्रेणियां है, तो व्यंजक बड़ों की श्रेणियां कितना है, तो आपको पता है तीन है ना। आगे देखिए जिस स्वर के उच्चारण में तीन गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में तीन गुना समय लगता है तो हर स्वर संयुक्त स्वर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है ना, आगे दिया है यहां पर आपका दिया है यहाँ पर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है आपका, तो पांच है। आगे देखिए स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 33 का ऑप्शन आपका बी होगा, पांच होते हैं। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका 34 का ऑप्शन सी होगा, 2+ कर हो जाएगा। योर अलावा कौन व्यंजक कहलाते हैं, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसे बढ़िया से वीडियो का देखते रहिए, हम कल आपको ऑप्शन बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है आप लोग के पास। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा है ना, कालिदास। ठीक है, आगे देखिए मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, तो बोल रहा है कि मनुज में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग आगे लगता है तो म है, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए हो गया। निम्न चिन्हों के प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो देखिए कितना शानदार सवाल पूछा है ये देख लीजिए है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये नहीं होता है, आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना आसान सवाल अब चालू हो गया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं है ना, संज्ञा देखिए होता क्या है, देखिए कोई कोई लड़का ना घबरा जाता है किस लिए, कि आपका जो सेट हो ना, सेट मान लीजिए कि सेट आपका हम ए लिए है, तो सेट ए में हो सकता है कि पहले कठिन सवाल दे दे, सेट बी में हो सकता है कि पहले आसान दे दे, तो सेट ए बी कोई भी सेट दे क्वेश्चन सब इससे में रहता है, तो घबराना नहीं आप लोगों का, या तो पहले कठिन मिलेगा या तो पहले आपका हल्का मिलेगा। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, आपका 38 सवाल हो गया। चलते हैं 39 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है। संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 39 से कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, पांच भेद। ठीक है, आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है, तो बोल रहा है कि आर्यवर्त संघ, तो पूरा हमारा क्या होता है, आर्यवर्त से पूरा जाति का व्यक्ति का एक व्यक्ति का हो रहा है, तो आर्यवर्त से कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति वाचक संज्ञा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन कौन होगा आपके, बी समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शक्ति शब्द का लिंग, तो आप सुने हैं शक्ति कौन होगा, तो शक्ति आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध है उसे क्या कहते हैं, एक ही का बोध होना चाहिए तो उसे क्या बोलेंगे भाई, एक वचन कहेंगे, कितना आसान सवाल दिया है। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो 45 से कौन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। आप लोग सब देखते रहिएगा इसे। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, ऐसा आदमी, तो ये कौन विशेषण हो जाएगा, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, इक है ना, प्रत्यय जो होता है नीचे पीछे लगता है, तो देखिए धार्मिक इक आ रहा है, तो आपका सी हो जाएगा। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन शब्द कौन क्रिया कहते हैं, देखिए इसमें इसका आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। मैं घड़ा भरता हूं किस क्रिया का उदाहरण है, तो 51 के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भूत शब्द में प्रत्यय कौन है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो त है, कौन है आपका, त है, 52 का ए हो जाएगा। अन्याय शब्द का विशेषण
क्या है? तो 53 के आंसर आपका हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यायी हो जाएगा। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो इसको पद पूछ रहा है, तो 54 के आंसर कौन होगा, द्वितीय पद में दिया गया है इस सब चीज। ठीक है, आशा दीवार किसकी रचना है? तो 55 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। सिखा शब्द का अर्थ क्या है? तो सिखा का अर्थ क्या होता है, सिखा का ऑप्शन नंबर आपका बी चोटी होता है। प्रेम आयनिक श्री राधिका शीर्षक दोहे की रचनाकार कौन है? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनराशि अत्यंत प्रसिद्ध है? तो आपका 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, रस खान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा परमिड और धीर पथिक तथा जबादानी का कौन सा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है? कवि घानंद के बारे में यह किसने कहा था? तो ये बहुत लंबा है, छोड़ भी सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को, हालांकि हम तो यहाँ करेंगे सब लोग। तो 59 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कवि घानंद अपने आंसू को क्या पहुंचाना चाहते हैं? तो 60 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सुजान के आगन में, है ना। आगे देखिए, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र से भारतेंदु हरिचंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो 61 का आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी डी हो जाएगा। स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, किस कवि की रचना है? तो 62 के आंसर का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आत्मजी है ना, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो 63 के आंसर कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 64 के आंसर आपका ऑप्शन नंबर यही नहीं होगा, ऑप्शन कल बता रहे हैं सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आएगा। अच्छा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में कौन है? तो आप जानते हैं कि 65 का आंसर कौन होगा आपके, यहाँ पर हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर आपका दी। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो किसकी साक्षी है, तो मानव की। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता है? तो 67 का आंसर जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर वृक्ष जो होता है। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 68 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूल हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो 69 के आंसर कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर सी अंकुर। ठीक है, किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर दुष्चक्र से सृष्टा। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा कठिन प्रश्न है, अभी आपको बता रहे हैं। देखिए आप कठिन प्रश्न से मत घबराइए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा खत्म हो जाने दिए तब आपको मैं एक बता रहा हूँ चीज क्या होगा इसमें। शत्रुत्व का मानचित्र नामक आलोचना किनकी रचना है? तो 71 नंबर के सवाल के आंसर का हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनामिका। कवियत्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। लेखक श्री नमाज को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? 73 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1967 में। दही वाली मागमा, देखिए सेकेंड हिंदी से आ गया, शीर्षक कहानी का अनुवादक कौन है? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि इसका आंसर कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर बी बी आर नारायण। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो आपको पता है इसका लेखक का नाम क्या है, सातकोड़ी होता। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाढ़ आएगी। जन्म से पागल और गुंगी कौन थी? तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ यही लगातार चार सवाल आसान, यहाँ से 1 2 3 4 5 को सवाल तो यही आसान हो गया, अब पीछे कम से कम हमको लग रहा है कि 20 को सवाल आसान था, है ना। तो आगे देखिए, मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी। देखिए कितना आसान आसान आ गया, 5 6 को यही पर लगातार आ गया। नगर शिक्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 79 के आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, सुजाता। बलि अमाल की बेटी का नाम क्या है? देखिए कितना शानदार पूछा है भाई, पापती है। नींद में शुद्ध वाक कौन है? इसमें सबको आप लोगों को पढ़ लेना है, अशुद्ध बता देना है। तो आपको हमें ऑप्शन यहाँ पर सीधे टिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध होगा, बाकी सब गलत
मिलती है। दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची क्या होता है? दुख, दुख का पर्यायवाची क्या होगा? पीड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? पीड़ित होना चाहिए, हाँ पीड़ा होगा, ठीक है। आकाश शब्द का विलोम क्या है बताओ? आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश मतलब ऊपर और पताल मतलब नीचे हो गया। आप देख सकते हैं यहीं पर लगातार आप लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पीछे 5 गोले 11, 10 से 11 प्रश्न तो यहीं पर आपका आसान हो गया। और बच्चे टेंशन लेते हैं कि हाँ ये पूछा है वो पूछा है, नहीं, आप लोग को आसान आसान क्वेश्चन को पकड़ना है, एकदम जो हलवा टाइप प्रश्न है उसको पकड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि बड़का को धो करके लपेटा में उसी में पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको आसान क्वेश्चन को पकड़ना है। देखिए 85 का कह रहा है, दूध का दूध पानी का पानी लोकित का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, सही अन्याय। नहीं कहते हैं कि अभी देखो दूध का दूध कर देते हैं पानी का पानी, तो मैंने सही अन्याय करने की बात कह रहा है। सेनायक शब्द कौन समास है? तो 86 के अंतर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आँखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सजग होना, है ना। वह कल घर जाएगा, गागेगी है तो कौन काल होगा? भविष्य काल होगा, है ना। आपके ए हो जाएगा आपका 88 का। पगड़ी शब्द का क्या है? तो जो पगड़ी शब्द जो है वो कौन शब्द है? तो आपको पता है ये देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्वत शब्द का विलोम क्या होता है? तो पर्वत का विलोम जो होता है आपका वो हो जाएगा आपका पर्वती, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी गलती, पर्वती है। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, है ना, स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पुत्रवान का स्त्रीलिंग रूप देखना है, चलिए देखते हैं इधर क्या दिया है। तो पुत्रवान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्रवती। देखिए आप सभी लोग को हम बता रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर जुड़ जाइए। दो दो ग्रुप है, किसी एक ग्रुप में जुड़िएगा। अगर ग्रुप फुल हो गया है तो इस नंबर पर स्क्रीनशॉट ले लो, 7249054228 पर आप लोग को व्हाट्सअप करना है, इसी पर आपको व्हाट्सअप करके मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे अब जितने भी स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम में जुड़े नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप लोग सब लोग को बहुत फायदा होने वाला है, आप जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये वीडियो पूरा देखिए, ये पूरा आपको यहाँ पर इसको नंबर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 92 के आंसर क्या होगा? तो 92 के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? 93 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिश्रमी छात्र व सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? 94 जो परिश्रम करेगा सफल होगा, तो 94 के आंसर क्या हो जाएगा? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा 95 के आंसर पूछ रहा है कांटा, तो कटीला हो जाएगा। सजावट शब्द में प्रत्यय कौन है, प्रत्यय क्या है? 96 के आंसर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आवट हो जाएगा। प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो पीछे जुड़ता है, आवट इसमें लास्ट में जुड़ा हुआ है। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होता है? सुसंगति, है ना, संगति का शब्द का विलोम पूछ रहा है ना, तो कुसंगति हो जाएगा, है ना। महात्मा शब्द कौन सा समास है, ठीक है, देखते हैं महात्मा कौन समास होता है। तो महात्मा जो है कौन समास होगा भाई? तो आपका हो जाएगा कर्मधार समास, ठीक है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम का संधि विच्छेद आपका होता है उत प्लस गम, है ना। भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 100 के अंतर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ये रहा पूरा आपके 100, आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बिहार बोर्ड में सीधे इसमें फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों को मिलाकर हम क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि तो पूरा एक ही बार क्वेश्चन डाल देंगे तो थोड़ा उसमें खतरा रहता है और रिस्क रहता है, इसलिए इसमें हम आपको फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों को मिला करके हम यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन इसमें हम डाले हुए हैं। आप देख लेना, एग्जाम देकर आना, इस वीडियो को देखना कि इसमें दोनों सेटिंग को मिला करके 30 से 40 क्वेश्चन इसमें है कि नहीं। ये पार्ट टू वीडियो है, हम एक और वीडियो डाले हैं उसमें भी 30 से 40 क्वेश्चन डाले हुए हैं। एक और वीडियो डाले हैं उस वीडियो में भी फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग दोनों मिला करके 30 से 40 क्वेश्चन आपको डाले हुए हैं। अब आप कमेंट करेंगे कि बाकी जो बचा हुआ है क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन हम करा दें, क्या इसका हम एक और वीडियो हिंदी का डाल दें कि नहीं डाल दें, उसमें पूरा और 30 से 40 क्वेश्चन डाल देंगे तो पूरा आपका 100 क्वेश्चन आपके इसमें हो जाएगा। तो क्या आप कमेंट करेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए इस पर, और सब्जेक्टिव का वीडियो आना चाहिए कि नहीं चाहिए वही बताएंगे, और मैथ जो भी आपको चाहिए वीडियो वो कमेंट करेंगे। और यह टारगेट है कि आप लोग कम से कम इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तो जल्दी आपको मैथ का ही वीडियो लेकर आने वाले हैं, और पूरे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। हम उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम भी आपके
आपके भविष्य, हम ही आपको भविष्य, अच्छे भविष्य के, उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हैं और आपका एग्जाम अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, जय हिंद।